ये आपके पास बन जाएगा ई की पावर आयोटा एन फाइव कॉस एन फाइव ओवर टू प्लस आयोटा साइन एन फाइव ओवर टू, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर आप इसके लिए देखें यहाँ पर, तो इसके लिए ये दो टर्म बन जाएगी कॉस आयोटा पाई साइन एन फाइव ओवर टू। इसमें यहाँ पर आप नेक्स्ट सेक्शन में नीचे वाले में भी एज इट इज कर लेंगे कॉस प्लस आयोटा साइन फाइव। तो इसमें ये यहाँ पर ये साइन है, दिस वन इज अ साइन एंड दिस वन इज अ कॉस, कॉस प्लस साइन, दिस वन इज अ कॉस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लगता है मुझे आई थिंक, तो इसको आप टेक्स्ट बुक से क्रॉस चेक कर लेंगे, दिस वन इज अ कॉस। एनी हाउ तो इसको अगर आप देखें यहाँ से, अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आप ये देख सकते हैं इस तमाम को कंबाइन करके ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव ओवर टू बन जाएगा। इनमें से आप देख सकते हैं ये साइन फाइव एन साइन एन फाइव ओवर टू ओवर साइन फाइव ओवर टू, यानी ये कॉस से कॉस वाली टर्म ऊपर से कैंसिल, नीचे से भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर दोनों तरफ से साइन वाली बच जाएगी। तो साइन फाइव ओवर टू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन इंटू फाइव ओवर टू, तो ये आपके पास आ गया। इस इक्वेशन का अगर आप देखें, इसको अगर हम इक्वेशन को पुट कर देंगे जो हमने ब्रैकेट सॉल्व की थी ऊपर, या ये वाली, तो हमने ए के अलावा सॉल्व किया था, जस्ट ए की टर्म आ जाएगी, बाकी सारी एज इट इज आ जाएगी। और इसका जो रियल पार्ट बन एक्चुअली ये बनता है कॉस आयोटा कॉस ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव ओवर टू प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन फाइव ओवर टू। तो हम इसका अगर रियल पार्ट लें तो साइन इग्नोर कर देंगे, कॉस आ जाएगा। और इसके बाद इसको आपने इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट किया, इस जगह पर, तो ये ए देखिए आप एक्स्ट्रा आ गए इक्वेशन 6.4 में। तो 6.4 में पुट करने के बाद उसका ये रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा। अब इसमें फर्दर ये चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलेबोरेट किया हुआ है कि ये चीज़ हमने कैसे सॉल्व किया और इसका कैसे आंसर निकाला है। एनी हाउ अगर हम इसको शॉर्ट करें इस सारे को, ये जो हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसको नाम रख लें ई थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव ओवर टू। और ये जो ई थीटा, ये आपके पास दिस वन, इसमें ये जो है ये दोबारा कंडीशंस आपको बता दी हैं कि वन माइनस वन मीन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड सो ऑन। तो ये आप ई थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ से। अब हम अगर ई थीटा को एक्सपेंड करें तो ये दरमियान में आ रहा है ना एन फाइव ओवर टू, इस एन फाइव ओवर टू को आप लिख सकते हैं एन ओवर टू इंटू फाइव, फाइव मीन टू पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल साइन थीटा। ये टू से टू आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई ओवर लैम्डा एन डेल साइन ऑफ थीटा। और ये आप देख सकते हैं पाई ओवर लैम्डा, और ये एन और डेल दिस इज इक्वल टू बी, ये बी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये देखें ना, अगर आप यहाँ से देखें एन डेल, ये सॉल्व किया हुआ है, एन डेल किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से बी के, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर आपने पुट कर दी, क्योंकि बी इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल होता है। अगर आप डेल को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद एन डेल माइनस डेल, डेल जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो सिंपल बचेगा एन डेल, क्योंकि एन की वेरी 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 लार्ज, डेल की वेरी 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 स्मॉल, तो स्मॉल को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू एन डेल आ जाएगा। इसी तरह से एन फाइव बाई टू को अगर सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा। ये हमारे पास एक्चुअली ये दो वैल्यूज हैं, ये हम यहाँ पर पुट करना चाहते हैं ई थीटा के अंदर इस जगह पर। ये जो फाइव ओवर टू है ना, फाइव ओवर टू, इसको अगर आप सिंपली देखें फाइव ओवर टू को, तो साइन थीटा अगर स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब क्योंकि एन वेरी वेरी लार्ज है, एन मीन उसके अंदर नंबर ऑफ रेज जो सिंगल स्लिट में से पास कर रही है वो बहुत ज़्यादा है, वो रेज क्योंकि ज़्यादा है, इसीलिए बी ओवर एन अगर किसी चीज़ को बहुत बड़ी टर्म से डिवाइड करें अप्रोच टू जीरो और फाइव अप्रोच टू जीरो, यानी साइन अप्रोच टू जीरो का मतलब है साइन फाइव ओवर टू साइन जीरो किसके अप्रोच थीटा, यानी स्मॉल हो गया साइन थीटा, स्मॉल केस में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर सिंपली फाइव बाय टू आ जाएगा, और इसकी जगह आपके पास ही आपने सॉल्व किया था अभी, तो पाई ओवर लैम्डा इंटू बी साइन थीटा आ जाएगा। अब आप देखें ये यहाँ पर अगेन साइन मौजूद है, दैट इज अ मिसप्रिंट आई थिंक, तो ये साइन आ जाएगा दिस वन। अब इसको अगर आप लेते हैं फॉर एन के लिए, यानी ये जो एन है
ये डिनोमिनेटर में है, ये अगर ऊपर ले जाए आप ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, ई थीटा इज इक्वल टू एन ए साइन पाई ओवर लैम्डा बी साइन थीटा ओवर पाई ओवर लैम्डा बी साइन थीटा। फर्ज करें हम इसको नाम रख लेते हैं कोई कॉन्स्टेंट, लेट्स से कोई कॉल बीटा ठीक है, और एन ए को नाम रख लेते हैं कैपिटल ए। ये बन जाएगा ई थीटा इज इक्वल टू ए साइन बीटा, ए साइन बीटा ओवर बीटा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड। अगर आप इसे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इंटेंसिटी के लिए हम जानते हैं इसको स्केयर करना पड़ता है, तो स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से ये रिलेशन था हमारे पास इस ई का, इसको अगर आप स्केयर करें, इसको हम स्केयर कर लेते हैं एन स्केयर ए स्केयर दिस वन, तो ये जो कॉस का स्केयर है इसकी एवरेज वैल्यू जीरो से वन के दरमियान होती है, यानी इसका आंसर आएगा वन बाई टू। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वन बाई टू। तो साइन स्केयर बीटा एन स्केयर ए स्केयर ओवर दिस वन, तो ये टू को इसके साथ इकट्ठा कर लें, एन और ए जो है वो आप इसको नाम रख दें ए स्केयर ओवर टू। दिस इज इक्वल टू आई नॉट एंड दिस इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्केयर बीटा ओवर बीटा। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी रिलेशन फॉर द सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन। तो इसको हमने आखिर में नाम दे दिया क्वेश्चन 6.11। इसके लिए आप इसका पोजीशन निकाल सकते हैं मैक्सिमा के लिए, हम जानते हैं मैक्सिमा का रिलेशन होना चाहिए एम लैम्डा, बीटा मस्ट बी इक्वल टू एम लैम्डा, और ये आ जाएगा पाई बी साइन थीटा ओवर लैम्डा ठीक है। तो ये मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो ये रिलेशन आपके पास आ जाए। यहाँ से अगर आप थीटा निकालें तो ये बी डिवाइड हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम लैम्डा ओवर बी। तो यहाँ से आप जानते हैं अगर एम की वैल्यू वन है तो इसको मतलब फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम की वैल्यू निकालना चाहें बी साइन थीटा ओवर लैम्डा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें यानी एक्सट्रीमम कंडीशन निकालना चाहें, तो ये जो हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशन आया था दिस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये आई नॉट इस पर प्रोडक्ट थ्योरम लगा दिया टू साइन बीटा कॉस बीटा ठीक है, उसके अलावा बीटा का करेंगे इसको छोड़ देंगे टू साइन स्केयर बीटा दिस वन। तो ये चीज में से आप साइन बीटा और बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे, कॉस बीटा इंटू बीटा माइनस साइन बीटा, इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस बीटा, तो मल्टीप्लाइंग को डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम, जिसको आप मिनिमा और मैक्सिमा का नाम लेते हैं। तो ये जो आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है ब्लू लाइन, दिस इज एक्चुअली लाइन फॉर द एम्पलीट्यूड एंड रेड लाइन फॉर द इंटेंसिटी। तो ये जो रेड लाइन आपके पास आ रही है, इस रेड लाइन में आप देखें ये सेंटर में मैक्सिमा सबसे ज़्यादा आ रहा है ठीक है, और उसके बाद जूँ जूँ आप सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे कम होता जाएगा, थर्ड में जाएंगे और कम होता जाएगा, फोर्थ में और कम। यही वजह के जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डायफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होती है प्रोमिनेंट, और जबकि इंटरफेरेंस उसमें क्या होती है डार्कनेस होती है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे टेन बीटा बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा टेन बीटा ठीक है, इसमें ये टर्म जीरो आ जाएगी। तो इसको अगर आप जीरो लेंगे टेन बीटा इज़ इक्वल टू बीटा, दैट इज एन अदर कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम। तो ये आपके पास से बेसिकली वो सोल्यूशन आ जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कि फर्स्ट मैक्सिमा क्या आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो हम वैल्यूज वेरी करते रहेंगे इसके अंदर, और बीटा की वैल्यूज पुट करके आप इसमें डिफरेंट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये इसका लास्ट में एक एक्सट्रीमम पैटर्न को ग्राफिकली भी दिया हुआ है कि ग्राफिकली किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट कर्व्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व पैटर्न ये दिस ये टैन बीटा के लिए आएगा, ये अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें ये स्लोप इसकी जो है वो आपके पास अगेन मैक्सिमम की वैल्यू दे रही, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सारी इंटरप्रेट की गई, उनकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज दी गई।